हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास सिक्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर नोइंग आवर नंबर्स और इस वीडियो में हम पेज नंबर ट्वेंटी आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन से आगे के पार्ट को पढ़ेंगे बट आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन नाउ हाउ डू वी एड आवर नंबर सपोज हमारे पास तीन नंबर्स दिए हुए हैं अगर हमें इनको ऐड करना होता है हम वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस के हिसाब से टॉप टू बॉटम उनको अरेंज करते हैं एंड देन वी ऐड हाउ डू वी ऐड सबसे पहले हम वंस प्लेस के नंबर को ऐड करते हैं और हमें ये ध्यान रखना होता है दैट वी राइट द डिजिट्स इन द सेम प्लेस दैट इज जो भी वंस प्लेस का डिजिट है उसके नीचे वंस प्लेस वाला डिजिट ही आना चाहिए तभी हमारा कैलकुलेशन सही होती है और देन वॉट वी डू वी एड ऑल द डिजिट इन द वंस प्लेस लाइक नाइन प्लस सिक्स इज फिफ्टीन दैन जो वन रह जाता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं देन अगेन वी विल एड ऑल द डिजिट्स एडिंग द कैरी ओवर डिजिट ऑल्सो एंड दैट कम्स आउट टू बी सेवनटीन सेवन लिख के उसके बाद वन को हम दोबारा कैरी करते हैं नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन फाइव लिख के जो वन है उसको दोबारा कैरी करते हैं देन फाइनली वी राइट ट्वेल्व एंड देन दिस इज आवर आंसर लेकिन हमने इस तरीके से जो ऐड किया ये बहुत ही टाइम कंज्यूम है इसको थोड़ा सा समय लग जाता है देर आर मैनी सिचुएशंस वेन वी नीड टू फाइंड आंसर्स मोर क्विकली फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक मेले में गए और वहाँ पे मार्केट में आपको बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें नज़र आई जो आप ख़रीदना चाहते हैं तो उस समय मान लीजिए एक आइटम की कीमत ये है दूसरे आइटम की कीमत ये है और तीसरे आइटम की कीमत ये है उस समय हमारे पास पेन पेपर तो नहीं होता कि हम ऐड करते बैठे कि हमारे पास टोटल जितना मनी है उस पैसे में से हम ये तीनों सामान खरीद पाएंगे या नहीं उस समय हम क्या करते हैं उंट यू नीड फॉर एग्जाम्पल इफ यू एस्टिमेट द प्राइस तो ये थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी सिक्स मीन नियर अबाउट फोर थाउजेंड इस सामान की कीमत है. दूसरे सामान की कीमत है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी नाइन तो हम बोल सकते ना सिक्स थाउजेंड और फाइव हंड्रेड मतलब लगभग लगभग छ हजार के आस पास का मेरा दूसरा वाला सामान है टू थाउजेंड फिफ्टी रुपीज का है तो मैं बोल सकती हूं कि लगभग लगभग दो हजार रुपए मेरे पास होने ही चाहिए तो अगर हम इन एस्टिमेटेड वैल्यूज को अगर ऐड करेंगे तो हम मेंटली ही इसको ऐड कर सकते हैं ना फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू क्या होता है ट्वेल्व होता है मीन्स लगभग लगभग अगर हमारे पास बारह हजार के आसपास पैसे हैं हमारे पर्स में तो हम ये तीनों आइटम्स खरीद सकते हैं बारह हजार से थोड़े ज्यादा पैसे ही होने चाहिए तो ये हम क्या कर रहे हैं वी आर एस्टिमेटिंग अगर मेरे पर्स में सिर्फ टेन थाउजेंड रुपीज़ है तो क्या ये मैं ये तीन चीजें खरीद पाऊंगी मैं ये तीनों चीजें नहीं खरीद पाऊंगी लेकिन अगर मेरे पर्स में फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ है मतलब कि मेरे रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है तो क्या ये yes, मैं ये तीनों चीजें खरीद पाऊंगी यस आई कैन बाई मैं ये तीनों चीज़ें खरीद पाऊंगी तो इस तरीके से हम मेंटली एस्टिमेशन करके हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं उसी तरीके का एक और एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है ए ट्रेडर ट्रेडर मतलब जो बिजनेस करते हैं वो लोग अ ट्रेडर इज टू रिसीव मनी फ्रॉम टू सोर्सेस दो जगह से इस बिजनेसमैन को मनी लेना है रिसीव मतलब उसे मनी मिलना है द मनी ही इज टू रिसीव इज थर्टीन थाउजेंड फाइव फ्रॉम वन सोर्स एंड ट्वेंटी फ्रॉम अनादर एक इंसान से इस ट्रेडर को इतने पैसे लेने हैं और दूसरे इंसान से दूसरे सोर्स से इस ट्रेडर को इतने पैसे लेने हैं। और इन दोनों मनी को लेने के बाद उसे खुद किसी और को पे करना है किसी और को मनी देना है कितना देना है थर्टी सेवन थाउजेंड देना है तो डू द सम क्विकली एंड टेल मी वेदर ही हैज मनी और नॉट इन दोनों को मिला के ऐड करके जितना होगा अगर वो थर्टी सेवन थाउजेंड से ज्यादा है तभी तो वो थर्टी सेवन थाउजेंड किसी इंसान को दे पाएगा है ना सो डू यू थिंक ही वुड मनी कैन यू टेल विदाउट डूइंग द एग्जैक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम इन दोनों नंबर्स को बिना ऐड किए क्या हम बोल सकते हैं कि इस ट्रेडर के पास एनफ मनी होगा कि नहीं तो वो हम कैसे करेंगे हम मेंटली एस्टिमेशन कर सकते हैं जैसे ये वाला नंबर है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन इसको हम राउंड ऑफ करके लगभग लगभग फोर्टीन थाउजेंड मान सकते हैं अब यह है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी फाइव सेवन हंड्रेड मतलब फाइव हंड्रेड से ज़्यादा हो गया तो इस नंबर को मैं अगर नियरेस्ट थाउजेंड में एस्टिमेशन करूँगी तो लगभग लगभग ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मैं राउंड ऑफ कर सकती हूँ अब मेरे लिए फोटीन और ट्वेंटी सेवन को मेंटली ऐड करना बहुत ईजी है And that comes out to be 41,000. And that is why it is easy for us to do estimation mentally that if this trader has 41,000 with himself, or 37,000 kisi or ko na heto aram se de Now there is one more important note given in your textbook. There are no rigid rules when you want to estimate. द आउटकम्स ऑफ नंबर्स जब भी हमें किसी भी नंबर को ऐड करके उसका एस्टिमेटेड आंसर लिखना है उसके लिए कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है रिजिट रूल होने का मतलब फिक्स्ड रूल नहीं है कि हम किस हिसाब से एस्टिमेशन करेंगे हम नियरेस्ट टेंस पे एस्टिमेशन करेंगे या फिर नियरेस्ट हंड्रेड्स पे एस्टिमेशन करेंगे या फिर नियरेस्ट थाउजेंड्स पे एस्टिमेशन करेंगे इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज़ नीडेड हमारा जो प्रोसीजर है कि हम कौन से नियरेस्ट नंबर पर एस्टिमेशन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम अपना आंसर कितना जल्दी निकालना चाहते हैं और हम हमारे करेक्ट आंसर के एग्जैक्ट आंसर के कितना नज़दीक पहुँचना चाहते हैं एक्यूरेट आंसर का मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर और एक्यूरेसी जो शब्द है दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम एक्यूरेट एंड इट मीन्स हाउ मच योर आंसर इज नियरर टू द एग्जैक्ट आंसर तो अगर हमें हमारे करेक्ट आंसर के सबसे ज्यादा नज़दीक पहुँचना है क्लोज एस्टिमेशन करना है तो हम हमेशा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करेंगे और अगर थोड़ा सा दूर का एस्टिमेशन भी चलेगा मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ रफ एस्टिमेशन वी आर डूइंग वी कैन राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरस्ट हंड्रेड्स

तो अगर हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो कौन से नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करेंगे वी विल ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड राइट इट एज एटीन थाउजेंड सेम तरीके से जब हम फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी को राउंड ऑफ करेंगे सी नंबर लगभग लगभग यहीं पे आएगा टू हंड्रेड समथिंग है ना मिडिल पॉइंट से छोटा है उसे हम कहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे 5,000 पे राउंड ऑफ करेंगे 18,000 को 5,000 के साथ ऐड करना है सो so 18 प्लस 5 इज 23, सो आवर एस्टिमेटेड आंसर इज 23000 और जब आप इन दोनों नंबर्स को एक्चुअली में ऐड करके देखेंगे एग्जैक्ट आंसर यू विल गेट इज 23276 जो कि आपके एस्टिमेटेड सम के बहुत ही नजदीक है लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 5673 एंड 436 सो द फर्स्ट स्टेप हैव टू राउंड ऑफ सेपरेटली नाउ दिस नंबर विल कम उजेंड फाइव हंड्रेड टू सिक्स थाउजेंड सो दिस नंबर राउंडिंग ऑफ यूट इट एंडर जब हम दूसरे नंबर को देखेंगे फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स अगर इसे हमें नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करना है तो ये नंबर एक तो कहां पर आएगा वो देखते हैं जीरो से लेकर थाउजेंड तक मिडिल पॉइंट फाइव हंड्रेड होता है एंड फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स इज स्मॉलर देन 500. ये नंबर किसके नजदीक है जीरो के नजदीक है इसीलिए पे जीरो राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने. 6, -0 is 6, वो तो सही है लेकिन टेल मी वन थिंग हम 5000 से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी इस फिगर से तो माइनस इस फिगर से तो छोटा ही आएगा ना आंसर क्या किसी भी हालत में 6000 आ सकता है ये तो ज्यादा आ गया सो दिस इज वाई दिस इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेशन सो थिंग इज दैट वेन ए वी राउंड ऑफ हमें पहले ये देखना है कि हमें नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ करना है या फिर नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड ऑफ करना है उस चीज का डिसीजन हमें करेक्टली लेना है टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेशन लेट अस ट्राई राउंडिंग ईच नंबर

और बाकी राइट साइड जितने भी डिजिट है उनके जगह पे जीरो लिखते हैं लेफ्ट साइड जो भी डिजिट है उसको एज इट इज लिखते हैं तो नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो है अब दूसरा वाला नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ करेंगे टेंस और हंड्रेड पे नजर रखना है टेंस वाला डिजिट फाइव से छोटा है तो लेफ्ट साइड वाले डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम एज इट इज उसको लिख देंगे और बाकी जो डिजिट राइट साइड में बचते हैं उनके जगह पे जीरो

सपोज वी हैविन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नाइनटीन एंड सेवेंटी एट तो हम क्या करेंगे नाइन्टीन और सेवेंटी एट को सबसे पहले तो राउंड ऑफ करेंगे वी विल राउंड ऑफ नाइनटीन टू द नियरेस्ट टेंस तो वह हमें मिलता है ट्वेंटी सेवेंटी एट को भी नीयरेस्ट टेंस पे हम राउंड ऑफ करेंगे तो so, इसका नीरेस्ट टेंस एट्टी है अब हम 20 को 80 के साथ मेंटली ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं एट टू देन उसके बाद दो जीरो इसीलिए आंसर में भी दो जीरो तो 1600 हुआ आवर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो कि एग्जैक्ट आंसर के बहुत ही नजदीक है सो दिस इज अ करेक्ट एस्टिमेशन नाउ लुक एट अनदर वन सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन हंड्रेड एट्टी टू तो 63 को सबसे पहले हमें राउंड ऑफ करके नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ़ करना है सो द नियरेस्ट हंड्रेड इज हंड्रेड अब 182 को अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ करेंगे तो वो होगा 200। हंड्रेड नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन टू वन जैट टू उसके बाद वन टू थ्री फोर यहाँ पे चार जीरोज हैं तो आंसर कितना आया 20,000 आया और 20,000 एग्जैक्ट आंसर के तो बहुत दूर है एग्जैक्ट आंसर इलेवन थाउजेंड समथिंग है और एस्टिमेटेड आंसर ट्वेंटी थाउजेंड दिस इज मच लार्जर देन द एक्चुअल आंसर सो वॉट डू वी डू ये हम सिक्सटी थ्री को नियरेस्ट हंड्रेड पे नहीं हम नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करेंगे वेन यू विल राउंड ऑफ सिक्सटी थ्री टू द नियरेस्ट टेंस यू विल गेट सिक्सटी एंड देन वन हंड्रेड एट्टी टू को भी नियरेस्ट टेंस पे ही राउंड ऑफ करेंगे देन वी विल गेट ए वन हंड्रेड एट्टी एटीन सिक्स ज़ा वन हंड्रेड एट होता है उसके बाद दो जीरो तो पास में दो जीरो सो द प्रोडक्ट टेन थाउजेंड एट हंड्रेड इज मच क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर दैट इज इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी सिक्स दैट इज वाई दिस इज अ गुड एस्टिमेशन बट दिस इज नॉट क्विक एनफ इतनी क्विकली हम इस मल्टीप्लीकेशन को नहीं कर पाएंगे समटाइम्स बिकॉज कुछ बच्चों को एटीन सिक्स ज़ा नहीं आता होगा तो इसके लिए हम एक और अप्रोक्सीमेशन मेथड ट्राई करते हैं नाउ वी विल ट्राई टू अप्रोक्सीमेट टू थ्री टू टेंस दैट इज 60 एंड देन 182 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड में दैट इज 200। हंड्रेड नाउ ट्राई टू मल्टीप्लाई सिक्सटी एंड टू हंड्रेड सिक्स टू देन टैन टू थ्री जीरो सो वन टू थ्री जीरो on 12000 is also very much closer to our correct answer 11466 the number 12000 is very quick we have derived as well as it is a very good estimation of the product also the general rule is we can round off each factors to its greatest place and then we can multiply the rounded off factors

नो वी कैन मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड एंड एट्टी वेरी इजिली फाइव एट फोर्टी होता है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट वेरी इजीली अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चन करते हैं एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट नंबर ए 87 सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री सो वी हैव टू राउंड ऑफ 87 सेवन टू द नियरेस्ट टेंस तो हमारा ध्यान सिर्फ वंस और टेंस प्लेस पे होना चाहिए वंस प्लेस का डिजिट 5 से ग्रेटर है तो so, हमें लेफ्ट साइड वाला डिजिट भी 8 से 1 ग्रेटर लिखना है दैट इज़ 9. और इधर राइट right साइड में हम लिखेंगे 0. सो so, 87 सेवन इज राउंड ऑफ एज नाइनटी देन तीन डिजिट का नंबर है सो वी विल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स तो हमारा ध्यान टेंस और हंड हंड्रेड्स प्लेस पे ही होना चाहिए टेंथ प्लेस का डिजिट फाइव से छोटा है तो हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वी विल राइट थ्री एज इट इज़ और बाकी दो जो दो प्लेसेस बचते हैं उनकी जगह पे दो ज़ीरो सो राउंड ऑफ करने के बाद हमारा नंबर आता है थ्री हंड्रेड नाउ वी विल मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड विथ नाइन्टी और इसे हम मेंटली कर सकते हैं 9 threes are 27 and then 1, 2, 3 zeros we will put 1, 2, 3 zeros. 10 digit kebat comma and so what is our answer? 27000 is our estimated answer. Then number B 9 multiplied by 795. So 9 is rounded off to the nearest tens as digit 10, number 10. Then 795 is a 3 digit number. So we will

8 ones are 8, and then 1, 2, 3, 0s. We will write 1, 2, 3, 0s. So, our answer is 8,000, our estimated answer. क्वेश्चन नंबर सी में दोनों थ्री डिजिट नंबर है सो वी विल राउंड बोथ ऑफ देम टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स हमारा ध्यान टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे होना चाहिए दिस टेंस डिजिट नंबर इज मोर देन फाइव सो लेफ्ट साइड वाले डिजिट को भी वन मोर करके लिखना है दैट इज एट प्लस वन नाइन और बाकी दो प्लेस पे नाइन और ये वाला डिजिट भी टेंस और हंड्रेड्स प्लेस को देखो टेंस प्लेस डिजिट इज मोर देन फाइव सो डिजिट इन द लेफ्ट साइड विल बी वन मोर दैट इज द्लस वन एट और बाकी दो डिजिट्स के नंबर पे जीरो सो नाउ वी कैन मेंटली मल्टीप्लाई नाइन हंड्रेड विथ एट हंड्रेड नाइन एट सेवेंटी टू होता है एंड देन टू थ्री फोर जीरो फोर कॉमा लगाते हैं राइट साइड से तीन डिजिट के बाद कॉमा देन दो डिजिट के बाद कॉमा सो आवर एस्टिमेटेड आंसर इज सेवन लैक 20,000. Let us do the last one. 958 multiplied by 387. Both of them are 3 digit number. So we will round both of them to the nearest 100s. So observe the 10s and the 100s place. The digit at the 10s place is 5. So the digit at the 100s place we have to write 1 more. 9 plus 1 kya hota hai? 10 hota hai. एंड देन फाइव और एट के जगह पे दो और जीरोस राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिला वन दिस नंबर टेंस और हंड्रेड प्लेस को ऑब्जर्व करो टेंस प्लेस का डिजिट फाइव से ज्यादा है तो लेफ्ट साइड वाले डिजिट को भी वन ज्यादा करके लिखना है दैट इज थ्री प्लस वन इज फोर और बाकी दो डिजिट की जगह पे जीरो दैट इज राउंड ऑफ करने के बाद हमें नंबर मिला फोर हंड्रेड नाउ वी कैन इजिली मल्टीप्लाई वन थाउजेंड विथ फोर हंड्रेड फोर वन जा फोर होता है और उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव जीरो सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव जीरो राइट साइड से तीन डिजिट के बाद कॉमा दो डिजिट के बाद कॉमा सो आवर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज फोर लैक आंसर मेक फाइव मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम सो एग्जाम्पल नंबर वन सेवनटी सेवन मल्टीप्लाइड बाई फोर हंड्रेड थर्टीन सो स्टेप नंबर वन राउंड ऑफ सेवन सेवन टू विल गेट एटी And then round off 413 to the nearest hundreds, we will get 400. Now multiply these two mentally 8 4s are 32, and then 3 zeros, you will put 3 zeros. So our answer is 32,000. Next question 8 multiplied by 693. Round of 8 to the nearest tens, we will get 10, and then round of 693 to the nearest hundreds. We will get 700. Now it is very easy to multiply 700 by 10, we will get 7000 answer very easily. Let us do one more 693 multiplied by 583. Round off 693 to the nearest hundreds, we will get 700, and then round off 583 to the nearest hundreds again, we will get 600 as an estimated number. Then multiply सेवन विथ सिक्स दैट इज फोर्टी टू और उसके बाद एक दो तीन चार जीरो राइट वन टू थ्री फोर जीरो पुटकॉमा अकॉर्डिंगली एंड यू विल गेट द एस्टिमेटेड एंसर फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड लेटस टू वन मोर सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट को मल्टीप्लाई करना है टू हंड्रेड सेवेंटी एट से सो लेट इस फर्स्ट राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरस्ट हंड्रेड वी विल गेट एट हंड्रेड लेटे Round off this number also to the nearest hundreds, we will get 300. Now multiply these two numbers 8 3s are 24, and then 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros. Put comma, you will get the answer 2,40,000 as your estimated answer. Let us do one last one. 585 को मल्टीप्लाई करेंगे 319 से और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे सबसे पहले 585 को राउंड ऑफ़ करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स पे वी विल गेट 600। नाउ 319 को नियरेस्ट हंड्रेड्स पे कन्वर्ट करो राउंड ऑफ़ करो वी विल गेट 300। हंड्रेड नाउ मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स सिक्स थ्री जा एटीन देन वन टू थ्री फोर जीरोजन टू थ्री फोर जीरो पुट कॉमा अकॉर्डिंगली एंड यू विल गेट आंसर एज वन लैख एटी थाउजेंड एज योर एस्टिमेटेड एंसर सो आई होप आपको इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर्स का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना आराम से आ गया होगा अब तक आप मेंटली निकालना भी सीख गए होंगे सो प्रैक्टिस मोर कीप लर्निंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री गिवेन इन पेज नंबर ट्वेंटी थ्री जिसमें हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के एस्टिमेटेड एंसर्स निकालेंगे सो स्टे टून वी विल मीट वेरी मच्ड गॉड ब्लेस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज